नमस्कार, खानदेशी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू का ऐसा नया और कुछ अलग सा नाश्ता जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा और खाया भी नहीं होगा। और ये नाश्ता अगर गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व करते हैं तो एकदम झट से ख़त्म भी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए मैंने मध्यम आकार के दो आलू लिए हैं जो मैंने अच्छे से धो कर के छील लिया है। छीलने के बाद पानी में मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। हमको इस नाश्ते के लिए आलू को उबालना नहीं है, कच्चे ही आलू हमको इसमें यूज़ करना है। आलू को कभी भी पानी में ही कद्दूकस करें, नहीं तो आलू काले पड़ने लग जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे लच्छे निकले हुए हैं। अभी इसमें से स्टार्च निकाल लेना है, तो इसलिए हमें आलू के लच्छों को 2-3 बार धो लेना है और स्टार्च निकाल लेना है। इससे हमारा जो नाश्ता है वो क्रिस्पी बनेगा। ऐसे 2-3 बार धोने से इसमें का जो गंदा पानी है वो निकाल लेना है। दो तीन बार धोने के बाद इसमें का पूरा स्टार्च निकल गया है। अभी इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें। नमक से लच्छे नमकीन हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसे अभी साइड में रख देते हैं। नाश्ते के लिए हम आटा गूंदकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। जो आटा हम रोटी बनाने समय लेते हैं वही आटा हमें इसमें लेना है। इसमें कुछ मसाले भी डालने हैं हमें। इसमें डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच। अजवाइन को हाथों से थोड़ा मसल कर डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। अभी इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ की टेस्ट इस नाश्ते में बहुत अच्छी आती है। स्वादानुसार नमक। इसमें अभी 1 चम्मच तेल का मौन डालेंगे। मौन डालने से नाश्ता बहुत अच्छा बनता है। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें हमें तेल 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं लेना। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका टाइट आटा गूंथकर तैयार करेंगे। पूरी के आटे से भी टाइट आटा हमें गूंथना है। इस आटे को गूंथने में करीब 1/2 कप पानी लगा है। आटा अच्छे से गूंथ कर तैयार हो गया है। अब इसे अच्छे से सेट होने के लिए ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, और तब तक हम वापस आलू को देख लेते हैं। आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं। इसमें अभी कुछ भी स्टार्च वगैरह नहीं है और पानी एकदम से क्लीन है। कॉटन के कपड़े से छान कर इसका अच्छे से पानी निकाल लेना है। अगर इसमें पानी रहा तो ये नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से निचोड़कर पूरा पानी निकाल लेना है। आलू को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए आलू के लच्छे बहुत ही खुले खुले हो गए हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब भी मैंने एक प्याज लिया है जिसको छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद डालना है हरी और लाल मिर्च जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है। इस तरह से मिर्ची डालने से खाने में भी अच्छी लगती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। 2 या 3 चम्मच हरा धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेना है अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथों से थोड़ा मसल कर डालना है। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लहसुन की पेस्ट और 1/2 चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 चम्मच नमक। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें एक कटोरी बेसन डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैच के अंदर से भी पानी छुटता है तो ये धीरे धीरे गीला होता जाता है, इसलिए हमें ये हाथ से ही मिक्स करना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। इतनी देर में हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है और इस तरह से आटे को थोड़ा सा गूंथ लेना है। आटे को अच्छे से गूंथने के बाद इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। सभी लोई को हमने बना करके तैयार किया है, अभी एक एक करके बेल लेते हैं। चकले और बेलन को थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। और थोड़ा सा तेल लोई के ऊपर भी लगा लेना है। आटा हमने टाइट गूंथ के तैयार किया था, इसलिए आराम से बेल पा रहे हैं। अच्छा सा पतला बेलना है। ये इस तरह से ऐसे पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। बेलने के बाद छोटी या बड़ी कटोरी अपने हिसाब से लें और इसे काट लें। ऐसा करने से आपका नाश्ता फटाफट बनके तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर टूथपिक से या फोक से होल कर लेना है। होल नहीं किया तो ये नाश्ता फूल जाएगा, फूलना नहीं चाहिए, इसलिए हमें इन पुड़ियों के ऊपर होल बना के रखना है। इस तरह से सभी पुड़ियों के ऊपर हमें होल कर लेना है। आलू का जो घोल हमने बना के रखा है उसे देख लेते हैं। आलू, प्याज और मिर्च में से जो पानी निकला है उसी में अच्छी तरह से गीला हो गया है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। इस तरह से इन पुड़ियों को एक एक करके हाथ में लेंगे और ये घोल इस पे थोड़ा थोड़ा करके फैला देंगे। बहुत ही थोड़ा थोड़ा लगाना है इसके ऊपर। देखिए दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसे तेल में डालेंगे इस तरह से। तो तेल में पूरी डालने के समय आप पे ध्यान रखें कि ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने लगाया है आलू का मसाला, वो नीचे साइड में रहना चाहिए इस तरह से। आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये निकलेगा नहीं। इस तरह से सभी पुड़िया हमें तल लेनी है। आटे वाले साइड से ये पूरी जल्दी पक जाती है और मसाले वाले साइड से पूरी को थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है। इसमें मिर्ची, अजवाइन, जीरा, सौंफ, इन सब का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये आप बना के भी रख सकते हो, एक दो दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है और आलू के कारण ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये पूरी अच्छे तरह से पक गई है। अभी एक एक करके इसे निकाल लेते हैं।
तो है ना कुछ नया और चटपटा नाश्ता। इस तरह से गर्मागर्म नाश्ता आप सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।